हेलो दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के लगातार हम अपने वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, एक एक आर्टिकल वाइज एक एक भाग हम अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम ज्योग्राफी को भी साथ में लेकर चलें, इसलिए ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है, पहला वीडियो बनाया जा रहा है। भारत के भूगोल से हम प्रारंभ कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम भारत के भूगोल को खत्म करेंगे, उसके बाद विश्व का भूगोल शुरू करेंगे कि कैसे विश्व के भूगोल में घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहले भारत का भूगोल समझने के लिए भारत की हम एक स्थिति या अवस्थिति को देखेंगे कि भारत स्थित कहाँ है ग्लोब में। तो मैंने एक मैप समझाया, मैप बनाया है, तो हम देखेंगे भारत है कहाँ। तो भारत की स्थिति जो है वह है 8.4 डिग्री से। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट होता है, लेकिन मैं इसको 8.4 डिग्री बोलूंगा जिससे कि याद करने में आसानी रहे। तो भारत 8.4 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 37.6 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। 8.4 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 37.6 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये इसकी उत्तर और दक्षिण की सीमा है, उत्तर की सीमा और दक्षिण की सीमा। दक्षिण कहां पर है? 8.4 डिग्री पूर्वी देशांतर में, और उत्तर कहां पर है? 37.6 डिग्री पूर्वी देशांतर में। यानी कि अगर पूछा जाए कि किस देशांतर में भारत स्थित है, तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम इसकी चौड़ाई देखते हैं, यानी कि इसका उत्तर दक्षिण हमने देख लिया, इसका पूर्व पश्चिम हम देखेंगे कि पूर्व पश्चिम कहां पर स्थित है। तो पूर्व पश्चिम के लिए ये 97.25, अगर हम इधर से देखें कि ये 68.7 उत्तरी अक्षांश से लेकर 97.25 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। लंबाई में 8.4 पूर्वी देशांतर से लेकर 37.6 पूर्वी देशांतर तक, और अक्षांश में 68.7 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश में है। कितना? 8.4 से लेकर 37.6, 68.7 से लेकर 97.25 तक। यानी कि भारत की ये लंबाई चौड़ाई का हमने आंकलन कर लिया कि भारत स्थित है कहाँ। देखिए जो जीपीएस सिस्टम होता है वो इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होता है कि वो वस्तु है कहाँ पर, उसको मार्क करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। तो भारत की स्थिति हमें मालूम पड़ी कि भारत स्थित है कहाँ। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। यानी कि ये जो है 23.5 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीच से 23.5 डिग्री पर। और किन किन राज्यों में होकर गुजरती है उन सबको देखते हैं। देखिए ये आपका मैप है, ये आपका कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा देखिए किन किन राज्यों से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? मार्क है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये लगातार आपके प्रदेश हैं। 23.5 डिग्री पर अगर आप लाइन गुजारेंगे तो आपको बहुत सारे के सारे स्टेट मिल जाएंगे जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जिन जिन जगहों से होकर गुजरेगी वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, वो उष्णीय क्षेत्र होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी, सूरज की ऊष्मा सीधे 90 डिग्री पर पड़ती है उन क्षेत्रों पर। हालांकि इसमें मकर रेखा का योगदान होता है, दोनों के बीच की एक पट्टी होती है। मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर 8 राज्यों से होकर। कुछ फैक्ट्स हैं भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल
टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% होता है, 2.4% भारत का क्षेत्रफल है टोटल का। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत सातवां स्थान रखता है विश्व में, विश्व में सातवां स्थान, यानी छह देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं। वो कौन कौन से देश हैं? सबसे बड़ा है आपका रूस, रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, रूस का क्षेत्रफल आपका सबसे अधिक है। उसके बाद आता आपका कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। यानी कि जो क्रम है वह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। यानी कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सातवां स्थान रखता है, टोटल 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। इसका टोटल क्षेत्रफल 32,87,263, याद करने का तरीका है 32,87,263, 32,87,263 यानी कि 32,87,263 यानी 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसके उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में केरल है, इसके बीच में जो आपकी लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है, और पूरब और पश्चिम के बीच में इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूरब पश्चिम लंबाई 2,933 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा कौन सी हुई? देखिए ये सारी सीमाएं जो कि समुद्र से टच नहीं कर रही है, गुजरात से यहां से शुरू करेंगे राजस्थान, इधर पूरा जम्मू कश्मीर होते हुए यहां तक का क्षेत्र जहां तक समुद्र नहीं है वहां तक की सीमा 15,200 किलोमीटर है। सागरीय सीमा है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर इसकी सागरीय सीमा है। ये वाली सीमा 6,100 किलोमीटर है जो कि सागर के सीधे कॉन्टेक्ट में है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, सागरीय सीमा 6,100 किलोमीटर। एक चीज और, अगर हम हरियाणा और पश्चिम बंगाल इसके बीच में लगभग 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है लंबाई में, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इसमें झुकाव यानी कि इसमें ढलाव खाली 200 मीटर का है, 200 मीटर का ढलाव है 1600 किलोमीटर में, यानी कि ये बिल्कुल सपाट क्षेत्र है, एक मैदान बनाता है हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक का। ये पूरा क्षेत्र आपका एक प्लेन बनाता है, ये पूरा क्षेत्र एक प्लेन बनाता है, इसमें सिर्फ ढलाव 200 मीटर का ढलाव है। चलिए कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। अब हम पूछते हैं कि भारत की जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से कहां कहां मिलती है और कितनी कितने किलोमीटर की। देखिए भारत कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देशों से मिलता है। कहां कहां मिलता है? यहां पर पाकिस्तान आपका एक, अफगानिस्तान दो, चीन तीन, नेपाल चार, यहां पर आपका भूटान है, भूटान पांच, यहां पर म्यांमार है छह, बांग्लादेश सात, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। कहां कहां? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ सीमाएं बनाता है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। ये देखिए इतनी बड़ी सीमा पूरी बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी? 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। 4,096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। चीन के साथ 3,917 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर की सीमा बनाता है, भूटान के साथ 587 किलोमीटर की सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की सीमा बनाता है। देखिए ऐसे कोई सीमा आपको डिजिट में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, तो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। तो याद कर लेना, सबसे बड़ी सीमा जो स्थलीय सीमा है या सागरीय सीमा है वो सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, ये आपको याद करना होगा। अब कुछ रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जिनके संबंध में पढ़ना है। मैकमोहन रेखा भारत चीन की ये सीमा को प्रदर्शित करती है, मैकमोहन रेखा। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सन 1914 में सर आर्थर जॉन मैकमोहन की अध्यक्षता में चीन के, ब्रिटिश और भारत इन सबके प्रतिनिधियों के बीच में शिमला में एक समझौता हुआ था। समझौता में होने में उन्होंने एक सीमा निर्धारित की कि ये चीन और भारत के बीच में एक सीमा है, लेकिन चीन ने कभी भी उस सीमा को अपनी अनुमति प्रदान नहीं की। उन्होंने सहमति कभी नहीं दिखाई कि ये जो सीमा निर्धारित की गई है ये सीमा एक ऑथेंटिकेट सीमा है, कभी भी स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है वो चीन का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। देखिए मैं थोड़ा दिखाऊं, ये जो मानचित्र में ये वाला हिस्सा हमेशा चीन अपना कहता है, अरुणाचल प्रदेश को हमेशा अपना कहने का प्रयास कहता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये चीन का हिस्सा है। इस पर वो अपना अधिकार बार बार दिखाता रहता है। 1914 में एक समझौता हुआ था लेकिन उस समझौते को नहीं मानता। धीरे धीरे अब थोड़ी सी बर्फ पिघल रही है, सीमा विवाद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चीन अपनी हरकतों से पूरी तरह बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारा सीमा विवाद रहा है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। सर जॉन रेड क्लिफ थे, मैंने पॉलिटी के लेक्चर में बताया था कि रात को 11:30 बजे उनका प्लेन उतरा और 12:30 बजे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आए थे उससे पहले, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में बुलाया जाता जो भारत का जानकार होता तो बंटवारा नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो जानता ही नहीं था कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है। उनसे कहा गया कि आपको बंटवारा करना है, एक लाइन ली और काट दी। तो सर रेडक्लिफ थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ बंटवारा किया, लेकिन ये सीमा का विवाद हमेशा चला आया भारत के साथ। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों का निर्माण हो गया था और 1948 में 1948 के शुरू में ही कबायलियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। कबायली क्या थे? वो पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, हालांकि उनको कबायली नाम दिया गया, लेकिन कबायली नहीं थे, वो सेना के ही सैनिक थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत का जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा भाग पर वो कब्जा कर कर बैठ गए, जो कि पर्वतीय क्षेत्र था। भारत ने यह गलतियां की, कुछ जम्मू कश्मीर के राजा से गलती हुई और सबसे बड़ी गलती यहां पर नेहरू जी कर गए। नेहरू जी इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चले गए और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या कोई भी कोर्ट में जाएगी सबसे पहले जो निर्णय होता है वो होता है स्टे मिल जाए, बहस बाद में होती रहेगी। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि जो जहां बैठा है पहले तो वहीं पर बैठा है, यानी कि जो कबायली भारत के क्षेत्र पर कब्जा जमा कर बैठे हुए थे वो वहीं के वहीं रुक गए और भारत जहां था वो वहीं के वहीं रुक गए, यानी कि भारत के एक भूभाग पर पाकिस्तानी कबायलियों का कब्जा हो गया जो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। ये सीमा विवाद हमारे नेहरू जी उत्पन्न कर गए संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर इस मुद्दे को, अगर ना ले जाते तो ये मुद्दा नहीं बढ़ता। अभी भी वो जम्मू कश्मीर में अपना अधिकार दिखाने के लिए यदा कदा कार्रवाई करता रहता है, आतंकवादियों भेजता रहता है और हम उन्हें मारकर ऊपर पहुंचाते रहते हैं। तो ये एक सीमा विवाद हमेशा रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अफगानिस्तान के बीच में हमारा कोई सीमा विवाद नहीं रहा और उसकी लाइन को हम डूरंड लाइन कहते हैं। देखिए याद कर लीजिएगा, मैकमोहन लाइन किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। सबसे कम
सीमा है 80 किलोमीटर की, कहीं पर 111 किलोमीटर भी दे रखा है इसमें, तो कहीं पर अगर 111 किलोमीटर भी आए तब भी गलत नहीं है, दो फैक्ट सही है। लूसेंट में अलग दे रखा है, यूनिक पब्लिकेशन के बुक में अलग दे रखा है, और बड़नबाम में अलग दे रखा है, लेकिन फैक्ट्स 80 किलोमीटर या 111 किलोमीटर है, बिल्कुल एग्जैक्ट किसी बुक में नहीं दे रखा। तो 80 भी सही मान लीजिए आप, 111 भी सही मान लीजिएगा। तो लाइन्स हमने रेखाएं याद की कि रेखाएं किसके बीच में क्या है। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा, नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, नेपाल के साथ हमेशा हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, तो उसके साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। भूटान भी हमारा मैत्रीपूर्ण देश है, उससे भी हमारा सीमा विवाद कभी नहीं रहा। एक सीमा विवाद हमारा बांग्लादेश के साथ था, जो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे सॉल्व किया है। था क्या वो मुद्दा, कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे दोनों तरफ, बांग्लादेश की तरफ भी और भारत की तरफ ही, जिनको इनक्लेव कहा जाता है। ये इनक्लेव थे क्या कि बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में थे और भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा में थे। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए मैं इसको एक लाइन खींच देता हूं, इधर आपका भारत है और ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के कुछ इंक्लेव जो कि संख्या में लगभग 51 थे, बहुत सारे ऐसे भारतीय क्षेत्र में थे 51 की संख्या में, और भारत के बांग्लादेश में 111 की संख्या में थे, 111 की संख्या में। ये क्षेत्र इनक्लेव कहलाते हैं, 111 इनक्लेव थे, भारत के क्षेत्र बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के क्षेत्र भारत में थे। आप इसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरे देश में हमारा क्षेत्र है। अब हमें अगर वहां पर लाइट की सुविधा पहुंचानी है, हम कैसे पहुंचा सकते हैं? इन क्षेत्रों में जो कि बांग्लादेश में थे लेकिन थे भारत के, उनमें जो भी व्यक्ति रहते हैं वो नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां ना सड़क थी, वहां ना चिकित्सा सुविधा थी, वहां ना शिक्षा की व्यवस्था थी, वहां ना लाइट थी, वहां कुछ नहीं था। आसपास के गांव में जो कि बांग्लादेश के अपने गांव है, वहां पर लाइट जलती थी, लेकिन जो भारत के गांव थे बांग्लादेश की सीमा में, वहां पर अंधकार रहता था, बहुत नरकीय जीवन जीते थे। इसका एक इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक बार क्या हुआ था कि जो भारत का देश है, भारत का क्षेत्र है, उसमें बिहार एक राज्य है, जैसे कूच बिहार रियासत हुआ करती थी, और बांग्लादेश में एक रियासत होती थी रंगपुर। पहले दोनों भारत का हिस्सा थे, उस वक्त बांग्लादेश और भारत ऐसे कोई बंटवारा नहीं था, तो एक रंगपुर की रियासत थी और एक कूच बिहार की रियासत थी। इन दोनों महाराजाओं के बीच में जुआ खेला गया, जुए में दाव में लगाए गए चांदी के सिक्के, और रंगपुर के महाराज पर चांदी के सिक्के खत्म हो गए जुआ खेलते खेलते। अब जुआ खेलते खेलते जब चांदी के सिक्के खत्म हो गए तो दाव पर क्या लगाए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र, इनक्लेव गांव दाव पर लगाने शुरू कर दिए, और रंगपुर के महाराज 111 गांव हार गए, और कूच बिहार यानी कि बिहार के महाराज 51 गांव हार गए। अब समझिए, 51 गांव हार गए बिहार के, 111 हार गए रंगपुर के। अब जो रंगपुर के हारे 111, उन पर अधिकार किसका हुआ? बिहार का। और बिहार के जो राजा जो हारे, उस पर अधिकार किसका हुआ? रंगपुर का। अब जब बंटवारा हुआ तो रंगपुर चला गया बांग्लादेश के साथ, बिहार आ गया भारत के साथ। तो जो बंटवारे में हारे थे, जुए में हारे थे रंगपुर के महाराज, वो 111 क्षेत्र हारे थे, यानी कि वो क्षेत्र थे तो बांग्लादेश में, लेकिन अधिकार किसका था? बिहार का, यानी कि भारत का। और भारत के क्षेत्र जो कि 51 की संख्या में थे, वो थे तो भारत के, लेकिन अधिकार किसका था? बांग्लादेश का, यानी कि रंगपुर का। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए कई बार मीटिंग हुई, 1972 में हुई, उसके बाद 91 में भी हुई, 84 में भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं कर पाया कि कैसे वहां तक। कई लोग सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे थे कि हम वहां सुविधाएं पहुंचा देंगे, कोई कह रहा है हमें गलियारा दे दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको बहुत ही मित्रतापूर्वक सॉल्व कर लिया कि तुम्हारे क्षेत्र तुम्हारे अंदर है, हमारे क्षेत्र हमारे अंदर है, हम आधिपत्य कर लेते हैं अपने अपने क्षेत्रों का, और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान।
तो इस तरह हमारा बांग्लादेश की सीमा के साथ विवाद था वो सॉल्व हो गया। तो लाइन याद कर लीजिएगा कौन सी लाइन क्या है, मैकमोहन भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान जो देश है वो भारत के चार राज्यों के संपर्क में आता है, चार राज्यों की सीमाओं को छूता है। देखिए पाकिस्तान किस किस को छू रहा है, संपर्क करा, देखिए गुजरात एक, राजस्थान दो, पंजाब तीन, जम्मू कश्मीर चार। पाकिस्तान चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को। ठीक, चीन भारत के पांच राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, चीन भारत की पांच राज्यों को, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन पांच राज्यों को चीन स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये आपका सिक्किम है। इस तरह पांच राज्यों को चीन स्पर्श करता है, पाकिस्तान चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और चीन पांच राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेपाल भी पांच राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, कौन कौन सी, नेपाल करता है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह नेपाल भी पांच राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे, इन सारे फैक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। भूटान, भूटान चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, कौन कौन सी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। मैप अपने सामने रखिएगा और देखते रहिएगा कि कहां पर क्या चीज स्पर्श कर रहा है और कितने राज्यों को स्पर्श करता है, क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं इस पर। पाकिस्तान चार राज्यों को स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात को, चीन पांच को, नेपाल पांच को, भूटान चार को स्पर्श करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को। तो याद कर लेना कि ये फैक्ट्स हैं क्या। बांग्लादेश भी पांच राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल के साथ मैक्सिमम पार्ट को वो टच करता है। म्यांमार चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, पूरा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार संपर्क में रहता है। अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, जम्मू कश्मीर, बहुत छोटा सा 80 किलोमीटर की सीमा है, छोटे से जगह पर पर्वतीय क्षेत्र टोटल वहां पर स्पर्श करता है जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तान चार राज्यों को, चीन पांच को, नेपाल पांच को, बांग्लादेश पांच को, म्यांमार चार को, अफगानिस्तान एक को, भूटान चार को। चार के लिए तीन है, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार, चार चार, पांच चीन, नेपाल पांच, अफगानिस्तान एक, सातों देशों के साथ हमारी सीमा क्लियर हो गई कि कैसे सीमा है। ठीक है, कुछ और प्रश्न बन के आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर तीन देशों की सीमा को स्पर्श कर रहा है, जम्मू कश्मीर तीन देशों की, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन सी हो सकती है। देखिए जम्मू कश्मीर किससे स्पर्श कर रहा है, कहां पर, ऊपर की तरफ, चलिए मैप दिखाता हूं मैं आपको, बताइएगा आप खुद ही। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, क्लियर। जम्मू कश्मीर तीन को छूता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। फिर आता हूं मैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल तीन राज्यों को छूता है, नेपाल, चीन, भूटान। पश्चिम बंगाल तीन को छूता है, सॉरी, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को। अरुणाचल प्रदेश भी तीन को छूता है, भूटान, चीन और म्यांमार, यानी कि तीन तीन को छूने वाले राज्य को सोचो, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों की सीमाओं को छूते हैं। तीन राज्य तीन देशों की सीमाओं को छूते हैं, तीन राज्य
दो देशों की सीमा को छूता है, कौन कौन से, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। उत्तराखंड नेपाल और चीन की सीमा को छूता है, असम भूटान बांग्लादेश की सीमा को छूता है, मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूता है। तो ये हमारे पास कुछ डाटास हैं जिनको समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है। नोट कर लीजिएगा बोर्ड से देखकर आप लोग कि ये डाटा है क्या। 10 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, 10 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक देश की सीमा को स्पर्श करते हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जो कि ना तो समुद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं ना किसी और देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए 4 राज्य ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल अंदर की तरफ है, बाहर नहीं है, किसी भी सीमा पर नहीं है, अंदर है। कौन कौन से है देखिए, हरियाणा किसी से टच नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश 2 टच नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ टच नहीं हो रहा, और आपका दिल्ली। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी सीमा पर स्थित नहीं है, चाहे वो सागरीय सीमा हो चाहे वो स्थलीय सीमा हो। ये 4 राज्य हैं जो किसी की भी संपर्क में नहीं है। 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो समुद्र दोनों को स्पर्श करते हैं, स्थल की सीमा को भी और समुद्र की सीमा को। कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, तो गुजरात, पश्चिम बंगाल। 2 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र की सीमा को भी स्पर्श कर रहे हैं और स्थलीय सीमा को भी स्पर्श कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य हमारा गुजरात है, जो सबसे ज्यादा जिसके पास तट है वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात सर्वाधिक तट वाला राज्य है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, याद कर लीजिएगा। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय है क्या, देखिए भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम होती है। आप अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में अंतर देखें तो 2.5 घंटे का अंतर आता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के टाइम का अंतर देखें तो 2.5 घंटे का अंतर आता है। अब कैसे, अगर मान लीजिए कोई गुजरात में से चलना शुरू करे और अरुणाचल प्रदेश पहुंचना हो तो ट्रेन का टाइम देखेगा कैसे, या जम्मू कश्मीर और केरल के बीच में कुछ टाइम का डिफरेंस होगा, वो देखेगा कैसे। तो किसी भी समय देखने के लिए उसको एक मानक समय माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है जो देश के प्रत्येक भाग के लिए एक जैसा रहता है, इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत का ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो, देखिए 2 इसमें आंसर आते हैं। पहला, इसको नैनी माना जाता है, इलाहाबाद के पास एक क्षेत्र है नैनी जहां पर ओपन जेल है, नैनी के टाइम को आपको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता था, लेकिन नेपाल में आए हुए भूकंप की वजह से कुछ पट्टियां इधर उधर खिसक गई, जिसकी वजह से ग्रीनविच मीन टाइम थोड़ा सा खिसक कर मिर्जापुर पहुंच गया। नैनी था पुरानी एनसीआरटी में, मिर्जापुर नई एनसीआरटी में, यानी कि अब मिर्जापुर वह स्थान है जिसके टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। पहले नैनी था, अब मिर्जापुर है, मिर्जापुर के टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। ये भारत के बारे में थोड़ा बहुत आपके लिए जानकारी थी कि भारत की स्थिति अवस्थिति है क्या। अब हम भारत के क्षेत्र पढ़ेंगे कि भारत में तटीय क्षेत्र कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, तटीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है, पठारीय भाग कौन सा है, कौन सा सबसे पुराना श्रृंखला है पर्वतों की, कौन सी नदियां हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे एक एक लेक्चर बनाते चले जाएंगे और याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो भारत की अवस्थिति को समझने के लिए आपके लिए पूरा मैंने एक वीडियो बनाया, आप एटलस को अपने पास रखिएगा, समझिएगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, एक तो भारत की पोजीशन क्या है, 8.4 से 33.6, 68.7 से 97.25 तक, कौन से राज्य कितनी सीमाओं को स्पर्श करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद क्या है, मेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद कि मेंस में के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व किए जाएंगे सीमा विवाद के, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि सीमा विवाद है क्या, पाकिस्तान के साथ था, चीन के साथ है, बांग्लादेश के साथ था, बांग्लादेश वाला निपटा दे गया, चीन और पाकिस्तान के साथ अभी भी चल रहा है हमारा सीमा विवाद। तो इस तरह हमारे समझ में आ गया।
दूसरा एक चीज, भारत जो है वो तीन तरह के समुद्र से घिरा हुआ है, कौन कौन से, अरब सागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन समुद्रों से घिरा हुआ, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। भारत के 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। सारे राज्यों को इसमें लिख दिया, इसमें एक तेलंगाना बचा हुआ है, तेलंगाना, सारे राज्य इसमें मेंशन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मानचित्र लीजिएगा, ब्लैंक मानचित्र लीजिएगा, उसमें राज्य को, राज्य की राजधानी को मार्क करके देखिएगा कि कहाँ पर राज्य है, कौन सा राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, उसे मार्क कीजिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। और ज्योग्राफी धीरे धीरे करके हम पूरा ज्योग्राफी कवर करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा अगर गलत है, या आप जिस तरह समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिस टॉपिक पर समझना चाहते हैं वो टॉपिक लिख दीजिएगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस के लिए, और हम सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे अपने कंपटीशन के पर्पज से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी चल ही रहा है साथ में, पॉलिटी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, मौलिक अधिकार खत्म हो चुके थे, आगे भाग चार पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, या मौलिक अधिकार के साथ अभी एक वीडियो बची हुई है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य और उसके आगे का हम पढ़ना शुरू करेंगे, संसद वगैरह पहुँचेंगे, बजट कैसे पेश होता है, बजट बनता कैसे, इन सबको पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तब तक आप लोग जो भी पसंद आए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मुझे किस तरह चेंजेस करने हैं। थैंक यू।